Good morning, everyone. Myself, Neha Rawat. So, आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है. सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं. नाउ वी विल गो विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यूनियन होना दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई का, जो दो कंपैटिबल यानी कि अनुकूल जो न्यूक्लियाई है जिनका एक दूसरे से कंपैटिबल है, वो न्यूक्लियाई या सेक्स सेल्स या सेक्स ऑर्गन्स का कंपैटिबिलिटी होना सोमैटिक सेल्स में या सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक हाइफी में उसका यूनियन होना. ठीक है, तो जिससे कि एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है. अब बारी आती है सेक्सुअल स्टेज की. तो सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो एक परफेक्ट स्टेज होता है. हमने पिछले बार पढ़ा था असेक्सुअल स्टेज जो होता है वो इम्परफेक्ट स्टेज होता है, जिसे इम्परफेक्ट स्टेज होता है और वो टेक्निकली एनोमॉर्फिक होता है. लेकिन सेक्सुअल जो स्टेज है वो परफेक्ट स्टेज है और टेक्निकली टीलियोमॉर्फिक कहा जाता है इसे. जो सेक्सुअल सेल है वो ऑकर होता है एक बार उसके लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन चक्र में सिर्फ एक ही बार होता है, एक ही बार ऑकर होता है. लेकिन असेक्सुअल जो साइकिल थी वो बहुत बार, सेवरल टाइम्स उसके लाइफ स्पैन में बहुत बार ऑकर होती थी. जो सेक्सुअल स्पोर है वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल स्पोर या जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, वो एक थिक बॉल होती है और वो रेजिस्टेंस होती है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में, वो रेजिस्टेंस रहती है और बहुत ही लॉन्ग लंबे समय तक वो क्या होती है कि वो बहुत लंबे समय तक वायबल रहती है. उसमें वायबिलिटी लंबे समय तक उसमें वायबिलिटी रहता वेरिएबिलिटी रहती है और उसमें जो मतलब एक सीजन दूसरे सीजन में भी वो उसमें वेरिएबिलिटी रहती है कि वो दूसरे सीजन में भी रह सके. और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर. जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो डेफिनेट नंबर में होते हैं, उनका जो संख्या है वो डेफिनेट होती है. लेकिन वहीं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था असेक्सुअल स्पोर, उसका जो नंबर है वो डेफिनेट नहीं रहता है, नंबरस रहते हैं उसमें स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं. अब बारी आती है सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फंजाई की. फंजाई में जो सेक्स ऑर्गन्स है उसको गैमेटेंजिया, पहला तो है गैमेटेंजिया. गैमेटेंजिया जो सेक्स ऑर्गन है फंजाई में वो उसके अंदर होता है. अगर सेक्स सेल्स सेक्स ऑर्गन है फंजाई में तो उसको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं. ठीक है, उसके अंदर होता है गैमेट्स और गैमेट न्यूक्लाई होता है. गैमेट्स क्या होता है, सेक्स सेल को हम गैमेट्स बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन को हम गैमेटेंजिया बोलते हैं, सेक्स सेल को हम गैमेट्स बोलते हैं. एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम या उसको प्लूरल में हम बोलते हैं एंथ्रीडियाई. मेल जो गैमेटेंजियम होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं. मेल गैमेटेंजियम यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं. और मेल गैमेटेंजियम कैसा होता है, वो क्या होता है, वो स्मॉल छोटा होता है और क्लब शेप का होता है. ठीक है, क्लब शेप यानी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप्स का क्लब शेप होता है. ओगोनियम, ओगोनियम में फीमेल्स जो गैमेटेंजियम है उसको हम ओगोनियम बोलते हैं, जिसमें जो फीमेल गैमेटेंजियम है वो लार्ज बहुत मतलब बड़ा होता है साइज में और ग्लोबुलस शेप का होता है. जो मेल गैमेटेंजियम है वो एंथ्रोजॉइट्स और स्पर्मेटोजॉइट्स बोलते हैं उसको. और जो फीमेल है उसको बोलते हैं हम फीमेल जो गैमेट है. ठीक है, फीमेल गैमेट को हम एग बोलते हैं या उन स्पोर बोलते हैं. मेल गैमेट्स को हम एंथ्रोजॉइट्स और स्पर्म बोलते हैं. अब प्लैनोगैमेट्स, प्लैनोगैमेट्स क्या होता है, ये एक गैमेट होता है. गैमेट यानी कि सेक्स सेल जो मोटाइल होता है. मोटाइल का मतलब होता है जो यहाँ वहाँ मूव कर सकता है. ठीक है, तो जो सेक्स सेल्स मोटाइल होते हैं जो मूव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं प्लैनोगैमेट्स. और वही आइसोगैमेट, आइसोगैमेट का मतलब होता है वो गैमेटेंजिया जो कि गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, वो सेक्स ऑर्गन जो कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक दूसरे के समान मतलब वो एक जैसे दिखते हैं. ठीक है, उसको हम उसमें हम ना अंतर नहीं कर सकते कि कौन सा मेल का गैमेट है और कौन सा फीमेल का गैमेट है, उसे हम बोलते हैं आइसोगैमेटेंजिया. आइसो का मतलब होता है सेम, सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला, आइडेंटिकल दिखने वाला. अब आ जाती है आइसोगैमेट, या हमने ये पढ़ा था आइसोगैमेटेंजिया, अब ये पढ़ रहे हैं आइसोगैमेट. आइसोगैमेट का मतलब
ऐसे भी आता है सेमिनल, और गैमेट का मतलब होता है सेक्स सेल। तो जो गैमेट जो सेक्स सेल सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। अब आ जाती है हेटरोगैमेटेंजियम। हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग, और गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। तो जो सेक्स ऑर्गन डिफरेंट है, मतलब उसका साइज या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, स्ट्रक्चर यानी कि या तो गोल होगा या ग्लोबुलस शेप का होगा या लंबा होगा, ठीक है, तो इनका साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उसको हम हेटरोगैमेटेंजिया बोलते हैं। हेटरोगैमेट्स का मतलब होता है वो गैमेट, सेक्स सेल्स जो कि डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकल, जो सेक्स सेल्स है ना वो डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं हेटरोगैमेट्स। अब प्लस और माइनस, कभी कभी क्या होता है कि सेक्शुअली वो हम उसको जो सेक्शुअली है वो अनडिफरेंशिएट रहता है फंजाई, तो मेल और फीमेल को हम प्लस और माइनस से, हम उसे मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से हम संबोधित करते हैं, ठीक है, उसे एक साइन देते हैं, उसे संबोधित करते हैं। तो बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है वो बेस्ड ऑन सेक्स, उनके सेक्स से बेस्ड है। तो जैसे कि मोनोशियस फंजाई, हर्मोफ्रोडाइट फंजाई, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट फंजाई जो और डायोशियस फंजाई, वो फंजाई जो प्रोड्यूस करती है डिस्टिंग्विशेबल मेल और फीमेल सेक्स को, मतलब मेल और फीमेल सेल्स को, सेक्स ऑर्गन को डिस्टिंग्विश करती है, लेकिन सेम ऑन सेम थैलस, उसी थैलस में, सेम थैलस में, ठीक है, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उनकी कंपैटिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसको हम मोनोशियस बोलते हैं या हर्मोफ्रोडाइट्स फंजाई भी बोलते हैं। जैसे कि पीथियम एफेनी डर्माटम इसका एग्जांपल है। पीथियम एफेनी डर्माटम क्या है, ये है डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज है नर्सरी स्टेज में आती है, उसको बोलते हैं पीथियम एफेनी डर्माटम। अब डायोशियस फंजाई, वो फंजाई जो प्रोड्यूस जो कि प्रोड्यूस करती है डिस्टिंग्विशेबल मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेम है कि वो डिस्टिंग्विशेबल है फीमेल और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो डिफरेंट थैलाई है, यहाँ पे क्या होता है सेम उसी थैलस में वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे होता है अलग अलग थैलस में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सेपरेट होता है मेल और फीमेल थैलाई, मेल थैलाई भी यहाँ सेपरेट है, यहाँ पे फीमेल थैलाई भी सेपरेट है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एक ही है। तो इसका एग्जाम्पल है फाइटोथोरा इन्फेस्टांस। फाइटोथोरा इन्फेस्टांस क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी। अब उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है उसके बेस पे है क्लासिफिकेशन। होमोथैलिक फंजाई, होमोथैलिक फंजाई इसमें क्या होता है कि ये फंजाई में क्या होता है कि जो दोनों ही सेक्स है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स, वो सेम थैलस में ऑकर हो रहा है, सेम थैलस में आ रहा है, ठीक है, और वो सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें क्या था, इसमें जो फंजाई बेस्ड ऑन सेक्स है, ये मोनोशियस और डायोशियस, इनकी इस पे सेक्स पे बेस्ड है, ये होमोथैलाइक थैलस के बेस्ड पे है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ये क्लासिफिकेशन फंजाई बेस्ड ऑन सेक्स पे है, ठीक है, मोनोशियस डायोशियस, और ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी है, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है उसके बेस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम थैलस है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली बाय इटसेल्फ विदाउट, मतलब किसी और का, विदाउट किसी और थैलस का इंटरफेरेंस से, इसमें क्या होता है सेल्फ कंपैटिबल होता है, ठीक है, उसको होमोथैलिक फंजाई बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पीथियम एफेनी डर्माटम। हेटरोथैलाई का मतलब होता है कि वो सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं है, वो फंजाई सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं है, इसके लिए दो थैलाई की जरूरत है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हेटरोथैलिक फंजाई और डायोशियस। हेटरोथैलिक फंजाई डायोशियस है, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, ये दोनों ही अलग है, ये बेस्ड ऑन सेक्स है और ये बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी है। अब आते हैं फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेजेस होते हैं। पहला फेज है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होती है, यूनियन होता है, दो प्रोटोप्लास्ट मिलता है, ठीक है, और उस दो प्रोटोप्लास्ट मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है, दो न्यूक्लियाई एक साथ मिलकर, दो न्यूक्लियाई एक ही उसमें जो विद इन अ सेम सेल, एक ही सेल के अंदर, वो एज अ रिजल्ट दो न्यूक्लियाई फॉर्म होती है, दो न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर आपको मिलती है, ठीक है।
दो न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर आती है। अब कैरियोकेनी में क्या होता है, यूनियन होता है दो सेक्सुअल कंपैटिबल न्यूक्लियाई का। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है दो सेक्सुअल कंपैटिबल न्यूक्लियाई का। ठीक है, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की बात की गई है, कंपैटिबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोगैमी फॉर्म होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, यानी कि ट्विन, यानी कि जायगोट बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो कंपैटिबल न्यूक्लियाई आ रहा है, मेल और फीमेल आ रहा है न्यूक्लियाई, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो जायगोट बना रहा है। अब तीसरा होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन होता है, हाफ होता है डिप्लॉइड, हाफ होता है। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है डिप्लॉइड न्यूक्लियस सेल को, वो हैप्लॉइड में बन जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बन जा रहा है। ठीक है, 2n का n, अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे जायगोट, यहाँ पे डिप्लॉइड बन रहा था, 2n बन रहा था कैरियोकेनी में, लेकिन मियोसिस में वो हाफ हो जाता है उसका नंबर। एग्जाम्पल है मैस्टिकोमाइकोटीना और जाइगोमाइकोटीना लोअर फंजाई में। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस ऑकर होता है रेगुलरली, जैसे कि कैरियोगैमी के तुरंत बाद ही प्लाज्मोगैमी आ जाता है फेज। हायर फंजाई में क्या होता है, हायर फंजाई के एग्जाम्पल, हायर फंजाइज में एस्कोमाइकोटीना और बेसिडियोमाइकोटीना। ठीक है, तो कैरियोगैमी क्या होता है इसमें, इसमें जो कैरियोगैमी है वो डिले होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है ना वो पेयर बनाता है, तो पेयर बनाता है जैसे एन प्लस एन का पेयर बनाता है। ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक के लिए इसमें। और फिर नेक्स्ट है डाइकैरियन, इसी में मियोसिस में डाइकैरियन फॉर्म होता है। डाइकैरियन का मतलब होता है एक ऐसा पेयर, एक ऐसा जोड़ा जो कि जेनेटिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली ना वो डिफरेंट है दूसरे, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट है वो न्यूक्लियाई है, उसमें एक ऐसा पेयर बन रहा है जो कि उनका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियाई है, वो जेनेटिकली एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। ठीक है, उनका फ्यूजन होता है और उनका फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या, वो जो फ्यूजन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम डाइकैरियन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है जिसमें डाइकैरियन होता है उसको हम डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम डाइकैरियोगैमी बोलते हैं। सेल को हम, जो सेल कंटेन करता है डाइकैरियन को, उसको हम डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जो प्रोसेस है उसको हम डाइकैरियोगैमी बोलते हैं। अब आते हैं हम मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और चौथा होता है स्पर्मेटाइजेशन, और पांचवा होता है सोमैटोगैमी। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो जो प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन है, जो प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन है गैमेटोगैमी का, उसमें क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है दो नेक्ड गैमेट्स, ये जो दिख रहे होंगे आपको, ये दो नेक्ड गैमेट्स इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो ये गैमेट्स है ना, गैमेट्स क्या होता है, सेल सेक्स, तो ये मेल फीमेल्स जो सेल सेक्स होते हैं वो आपको इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, और वो या तो दोनों ही मोटाइल है, मोटाइल यानी मूविंग करने वाले, एक मूव करने वाले, या तो फिर एक मोटाइल होगा, जैसे यहाँ पे एक मोटाइल होगा और एक नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है आइसोगैमी, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ द सेक्स, मतलब सेम जो दोनों ही सेक्स है ना वो मोटाइल है, मोटाइल दिख रहे हैं आपको, यानी कि मूव करने वाले, इनमें फ्लैजिला है ना, मूव कर रहे हैं, और सिमिलर है, एक जैसे ही है ये दोनों, तो इसको हम बोलेंगे आइसोगैमी। इसका एग्जाम्पल है प्लास्मोडिफोरा ब्रासिकी, यानी कि क्लब, जो क्लब रूट है डिजीज है, क्लब रूट डिजीज ऑफ ब्रासिका फैमिली का। ठीक है, अब ये है एनिसोगैमी, एनिसोगैमी का मतलब होता है कि डिफरेंट। अब इसमें जो बोथ द गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट क्या है, मोटाइल है, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों मूव कर सकता है, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, इनमें क्या था, शेप सेम था आइसोगैमी में, इनमें शेप डिफरेंट है। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एनिसोगैमी बोलते हैं। ठीक है, एलोमाइसिस इसका एग्जाम्पल है। अब हेटेरोगैमी, हेटेरोगैमी में क्या होता है कि ये दोनों ही सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं पहली बात तो, और उसमें क्या होता है, एक ही जो सेल सेक्स है वो मोटाइल होता है, जो दोनों सेल सेक्स है यानी कि दोनों जो गैमेट्स है ना
अलग एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि एक होता है मोटाइल, एक मूव करता है, दूसरा नहीं कर सकता है मूव, ठीक है। तो ऐसे उसको हम बोलते हैं हेटेरो हेटेरोगैमी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज गैमेटेंजियम कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया है, ठीक है। ये एंथ्रीडियम क्या है, मेल गैमेटेंजिया, और ये ओगोनियम, ये क्या है, फीमेल गैमेटेंजिया। ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो इनकी जो वॉल होती है ना, कि डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, घुल जाती है उनकी वॉल, ठीक है। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा ना, ये एक इस यहाँ से एक फर्टिलाइजेशन जैसे हुआ, फिर इसके बाद क्या होता है, ट्यूब बनने लग जाता है यहाँ से, फर्टिलाइजेशन ट्यूब ना बनने लग जाता है। और फिर इसमें जितने भी मतलब जो यहाँ पे इनके कॉन्टेक्ट्स में ये ना चीजें माइग्रेट करती है, मतलब पोर के थ्रू फर्टिलाइजेशन भी होता है और डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब, ट्यूब का एक डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो ये दोनों गैमेटेंजी है ना, ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ये दोनों नहीं खोते हैं, ठीक है, अपनी पहचान नहीं खोते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में। इसका एग्जांपल है पीथियम एफिनी डर्माटम। अब दूसरा, अब हम नेक्स्ट आते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है कि ये आइसोगैमेटेंजिया होता है, ठीक है, आइसो यानी कि सेम, ठीक है। आइसोगैमेटेंजिया होता है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो जो इसकी जो वॉल दिख रही है आपको, तो इसकी वॉल क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा डिजोल्व होने के बाद। तो इसका ना जितना भी कंटेंट है एक दूसरे के साथ ये मिल जाता है, इनका जितना भी कंटेंट है वो एक ही यूनिट बनाता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि ये लोग, ये अपनी जो ये सेल सेक्स गैमेट्स है, ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। हमने पहले क्या देखा था, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है, और यहाँ पे क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, ठीक है। ये है मेल गैमेटेंजिया और ये है फीमेल गैमेटेंजिया, तो ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है। तो इसे हम क्या, फिर जब ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, एक यूनिट इंक्रीजेस इन साइज। इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है और एक यूनिट जो है ना, और जो यूनिट है वो साइज में इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। ये एक बन जाता है तो फिर ये साइज में ना इंक्रीज होने लग जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोबस। अब नेक्स्ट वन है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक छोटा, बहुत ही छोटा, माइन्यूट, ठीक है, एक यूनिन्यूक्लिएट होता है मेल, जो मेल सेक्स है उसको हम स्पर्मेटिया बोलते हैं, ये है स्पर्मेटिया बोलते हैं उसे, ये माइन्यूट मेल सेल्स को, जो कि प्रोड्यूस करता है स्पर्माइटो, जो कि प्रोड्यूस होता है स्पर्माइटोफोर्स में, जो स्पर्माइटोफोर्स है ना, इससे ये स्पर्माइटो जो फोर्स है, इससे ये प्रोड्यूस होता है। और ये एक फ्लोटिंग बॉडी होती है जिसे पिकनियम बोलते हैं, ये कैरी करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ये कैरी करता है, और जिसे हम रिसेप्टिव हाइफी बोलते हैं, रिसेप्टिव हाइफी। तो स्पर्मेटिया जो है, स्पर्मेटिया जो है और रिसेप्टिव हाइफी है, ये एक दूसरे के, ये जो स्पर्मेटिया और ये रिसेप्टिव, ये जो हाइफी है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये स्पर्मेटिया और जो रिसेप्टिव हाइफी है, ये क्या करती है, ये एक दूसरे के ना कॉन्टैक्ट में आती है। तो जैसे ही एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, तो मेल स्पर्मेटिया माइग्रेट होता है, ये अंदर जाता है फीमेल स्पर्मेटिया के अंदर, माइग्रेट करता है और रिसेप्टिव हाइफी के अंदर, और ये क्या करता है, सेल बायोन्यूक्लिएट बनाता है, ठीक है। ये देखो, ये इसके अंदर ये दो वो हो गए, क्या हो गए, ये बायोन्यूक्लिएट हो गए, दो न्यूक्लियस आ गए, है ना। पहले क्या था, सिंगल न्यूक्लिएट था, सिंगल था न्यूक्लिएट, अब इसके अंदर आने के बाद एक ही इसमें दो बाई न्यूक्लिएट हो गए, दो सेल बन गए, ठीक है। इस प्रोसेस को हम, जब ये दो सेल एक ही इसमें आते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस वाली, जो दो न्यूक्लियस है वो एक ही इसमें सेल में आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन। डाइकैरियोटाइजेशन इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया ग्रैमिनस स्ट्रिटिसाई। एक और बार मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटिया होता है, ठीक है, स्पर्मेटिया क्या होता है, ये मेल सेल है,
ये मेल सेल है और मेल सेल जो क्या होता है, ये मेल सेल जो है उसको स्पर्मेटिया बोलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस यानी यूनि न्यूक्लियेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये इसमें स्पर्मेटोफोर्स में होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक सेल है वो अटैच्ड हो जाता है, आता ये कॉन्टैक्ट में आता है फीमेल के, जो फीमेल रिसेप्टिव हाइफी है ना उसके कॉन्टैक्ट में आता है। और इसके बाद ये क्या होता है, इसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये माइग्रेट करता है फीमेल रिसेप्टिव हाइफी के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है ना वो चला जाता है, तो जिससे ये क्या बनाता है, ये दो बाई न्यूक्लिएट यानी कि दो न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकैरियोटाइजेशन, इस प्रोसेस को हम डाइकैरियोटाइजेशन, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, दो न्यूक्लियस हो रहा है, ठीक है। इसमें फिर इसका एग्जांपल है वैक्सीनिया ग्रैनुलस ट्यूटीसाइट। नेक्स्ट वन इज सोमैटोगैमी। अब सोमैटोगैमी क्या होता है कि ज्यादातर ना हायर फंजाई में होता है, जिसमें क्या होता है कि हायर फंजाई में वो ना प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में सोमैटोगैमी आता है पिक्चर में, ठीक है, सोमैटोगैमी आएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो सोमैटिक जो हाइफी है, ठीक है, ये दो सोमैटिक हाइफी है ना वो क्या करता है, अपोजिट सेक्स के जैसा एक बिहेव करता है, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स के जैसा बिहेव करेगा और फॉर्म करेगा सेक्सुअल स्पोर को। एग्जांपल है एगेरिकस, ठीक है, इसका एग्जांपल है ये एगेरिकस। अलग अलग ये जो दो डिफरेंट सोमैटिक हाइफी है ये अपोजिट सेक्स के जैसा शो करेगा और अपोजिट सेक्स के साथ शो करेगा और सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करेगा, इसका एग्जांपल है एगेरिकस। पैरासेक्सुअल साइकिल जो होता है, पैरासेक्सुअल साइकिल वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लोडाइजेशन, हैप्लोडाइजेशन का मतलब होता है कि नॉन मियोटिक प्रोसेस है वो, ठीक है, जहाँ पे टेक प्लेस होती है और जहाँ पे वो बनती, जहाँ पे वो ये तीनों प्रोसेस होती है उस सिक्वेंस, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशलाइज्ड पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे लाइफ साइकिल फंगस का फॉर्म हो। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी मेथड है जो प्रोड्यूस करती है वेरिएबिलिटी फंगस पैथोजन के लिए, मतलब जो फंगल पैथोजन है ना उसमें वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करती है इस मेथड से, ठीक है, ये एक मेथड है। अब जो मेजॉरिटी ऑफ डेटेरोमाइकोटिना है, जो ज्यादातर डेटेरोमाइकोटिना है जो जिसको हम ट्रू सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं वो एब्सेंट होता है, डेटेरोमाइकोटिना में जो ट्रू सेक्सुअल साइकिल होता है ना वो एब्सेंट होता है, तो उस केस में क्या करता है ये अपना डिराइव करता है ये बेनिफिट, अपना बेनिफिट ये सेक्सुअलिटी के थ्रू इस साइकिल से वो डिराइव करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। अब आते हैं हम कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मतलब जो सेक्सुअल स्पोर है ना मियोसिस के बाद बन रहा है तो उसको हम मियोस्पोर बोलेंगे, मियोस्पोर्स। और हमने असेक्सुअल में क्या पढ़ा था कि जो असेक्सुअल जो स्पोर्स है ना माइटोटिक के बाद बनता है उसको हम माइटोस्पोर बोलते हैं, ये हमने किससे पढ़ा था, असेक्सुअल वाले में पढ़ा था रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में होता है कि माइटोटिक के बाद बन रहा है तो उसको माइटोस्पोर बोलेंगे, और सेक्सुअल में क्या हो रहा है, सेक्सुअल वाले में कि जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो मियोसिस के बाद बन रहा है तो उसको मियोस्पोर बोलेंगे, ठीक है, मियोस्पोर्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हैं ओस्पोर, साइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। अब हम एक एक करके देखेंगे स्पोर्स है, तो ओस्पोर ये जो हमारा ओस्पोर्स है ना तो ये क्या होते हैं, इसकी जो वॉल्स होती है ये थिक वॉल होती है और ये रेस्टिंग स्पोर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेटेंजिया यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एक दूसरे से भिन्न, गैमेटेंजिया यानी कि क्या होता है, जो सेल नहीं जो सेक्स ऑर्गन है वो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये ओगोनियम और ये एंथ्रिडियम, तो ये प्रोड्यूस इन दोनों का यूनियन से ये ओस्पोर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पीथियम, फाइटोप्थोरा और इस और भी ये है जो मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटिस क्लास के हैं, ठीक है।
अब जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर में क्या होता है, एक ना थिक वॉल होती है जाइगोस्पोर में, नहीं जो वॉल होती है ना, ये थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर होता है, जो जो कि ये बनता है फ्यूजन ऑफ दो दो जो सिमिलर एक जैसे दिखने वाले जो गैमेटेंजिया है, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, ये जो ये गैमेटेंजिया है ना सेक्स ऑर्गन एक जैसे दिखने वालों से ये बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाफ मेटिंग टाइप ये, ठीक है, और हाफ मेटिंग टाइप फीमेल और हाफ मेटिंग टाइप मेल। तो ये क्या होता है, गैमेटेंजिया यहाँ पे फॉर्म होता है, गैमेटेंजिया बनता है, फिर उसके बाद गैमेटेंजिया, फिर ये जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, ठीक है, ये हैप्लॉइड था गैमेटेंजिया और ये जाइगोट टू एन ये डिप्लॉइड है, ठीक है। फिर उसके बाद जूस्पोर बना, जूस्पोर डिप्लॉइड नेचर में, ठीक। तो सिमिलर इसमें मेन होता है वर्ड सिमिलर, सिमिलर गैमेटेंजिया और ऊस्पोर में क्या है, डिफरेंट गैमेटेंजिया, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है और यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है। इसका एग्जांपल है राइजोबस जो कि मेंबर है सब डिविजन का, डिविजन्स में जाइगो माइकोटीना का। नेक्स्ट वन है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर पता है, एस्कोस्पोर जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक स्पेशलाइज, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक का मतलब होता है एक थैली या एक बोरी टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर होगा। तो इसमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर, ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं एस्कस, ठीक है, और इसके अंदर होता है 8 एस्कोस्पोर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में 8 एस्कोस्पोर होते हैं। तो 8 जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ना, जिनमें 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है एडिसाइफिक और सब डिविजन है एस्कोमाइकोटीना। वो सेक्सुअल स्पोर्स जिसमें एक स्पेशलाइज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एस्कस बोलते हैं, और इसमें जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर 8 ही होता है, 8 से ज्यादा नहीं होता है ना 8 से कम होता है, इसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। अब बारी आती है बेसिडियोस्पोर्स की। बेसिडियोस्पोर्स में क्या होता है, ये एक सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोस्पोर में एक सेक्सुअल स्पोर है। तो इसमें ये जो ये वाला जो सेक्सुअल स्पोर्स है इसमें क्या होता है, ये क्लब शेप का होता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा होगा आपको क्लब शेप का, यानी कि ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो क्लब शेप का। तो इसमें क्या है, ये बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना उसको हम बेसिडियम बोलते हैं, ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बेसिडियम बोलते हैं। और ये ना बेसिडियोस्पोर में सिर्फ 4 ही होता है, एस्कोस्पोर में होता था 8, बेसिडियोस्पोर में कितना होता है 4, ठीक है। और इसका जो ये है जो जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिडियम है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे प्रोड्यूस किसके अंदर हो रहा है, एस्कस के अंदर हो रहा है प्रोड्यूस, इसलिए बोला जाता है एस्कोस्पोर। ये बेसिडियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको बोला जाता है बेसिडियम में होता है ये, ठीक है। तो ये अंदर होता है एस्का, ये सैटेलाइट स्ट्रक्चर के अंदर होता है और ये ऊपर होता है बेसिडियम के, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बेसिडियोस्पोर। ये जनरली सिर्फ 4 ही होते हैं, ये एस्कोस्पोर 8 होता है, बेसिडियोस्पोर 4 होते हैं। एग्जाम्पल है पक्सिनिया, इसका एग्जाम्पल है, और सब डिविजन है बेसिडियो माइकोटीना। नेक्स्ट वन है वेरियस लाइफ साइकिल पैटर्न डिस्प्लेड बाय फंगाई, ठीक है। फंगाई आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल्स जो पैटर्न है फंगाई के, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है उसमें क्या होता है, देयर इज ओनली, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही जो फ्री लिविंग थैलस है जो, तो वो फॉर्म्ड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है फंजाई की, इस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल जो होती है फंजाई की। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो लॉन्ग लंबा हैप्लॉइड सोमेटिक फेज होता है लेकिन छोटा डिप्लॉइड फेज होता है। हैप्लॉइड फेज जो होता है वो लंबा होता है और डिप्लॉइड फेज क्या होता है, छोटा होता है। तो वो जाइगोट सेल बनाता है और इसमें क्या होता है कि जैसे ही कैरियोगैमी होता है ना, तो कैरियोगैमी के तुरंत बाद ही मियोसिस आ जाता है। जैसे कैरियोगैमी फेज और जैसे कैरियोगैमी फेज कंप्लीट होता है तुरंत बाद ही उसके मियोसिस आ जाता है और ये डेवलप करता है एस्कोस्पोर। ये एस्को जो स्पोर्स है ना, इस लाइफ साइकिल में एस्कोस्पोर्स डेवलप्ड होता है, इसको बोलते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल।
अब डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है कि जो हैप्लॉइड थैलस है वो अल्टरनेट, मतलब जो हैप्लॉइड थैलस है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिप्लॉइड था, ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, कोई मतलब हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हैप्लॉइड थैलस है वो क्या अल्टरनेट, मतलब वो अल्टरनेट करता है डिप्लॉइड थैलस को, और उसका जो लाइफ साइकिल है ना वो उसका जो लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं डिप्लोमैटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्ग डिप्लॉइड सोमैटिक फेज होता है, इसका जो फेज होना है वो लॉन्ग है, लंबा डिप्लॉइड सोमैटिक फेज है और छोटा हैप्लॉइड फेज है। इसमें क्या था, इसमें था कि लॉन्ग हैप्लॉइड सोमैटिक फेज, इसमें हैप्लॉइड का फेज है क्योंकि हैप्लोपैलेटिक है, इसलिए इसका लॉन्ग हैप्लोइड सोमैटिक फेज है, लेकिन शॉर्ट डिप्लो, इसमें क्या है, शॉर्ट डिप्लॉइड फेज है, लॉन्ग हैप्लॉइड फेज है, शॉर्ट डिप्लॉइड फेज है। यहाँ पे क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग डिप्लॉइड है, डिप्लोमैटिक है तो लॉन्ग डिप्लॉइड सोमैटिक फेज है और शॉर्ट हैप्लॉइड फेज है, ठीक है, शॉर्ट हैप्लॉइड सोमैटिक फेज है, ठीक है। तो अब ये हमारा, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4 यही फिनिश होता है, ये लेक्चर अब यही खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।